क्वेश्चन दिया गया आपके पास में, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करना है, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन इट इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दे रहे हैं तो 1/4 बन जाएगा, फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं फ्रैक्शन को, है ना, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लेट कर लेंगे, फ्रैक्शन, तो लेट फ्रैक्शन इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं फ्रैक्शन इक्वल टू कितना है, x अपॉन y है, एवर सोल्व में क्या फ्रैक्शन इक्वल टू कितना आपका x अपॉन y। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में क्या आ रहा है, आपके पास बोला गया है कि अगर मैं 1 सब्सट्रैक्ट कर देता हूं न्यूमरेटर में से, ये आपका न्यूमरेटर है, इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है, तो ये 1/3 बन जाती है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x-3=y, बस सुनने क्या इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए क्या दे रखा हमारे पास में कि व्हेन इट बिकम्स 1/4 व्हेन इट इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करने के लिए बोला गया है, तब ये बन जाती है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा 4x = y + 8, ठीक है। इसको आगे जल्दी कर जाते हैं तो जाएगा 4x - y - 8 = 0, इसे सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, आई बात समझ में क्या। अब देखिए अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो 1 को उठा के हमने सीधा 2 में रख दिया, तो वाला बन जाएगा 4x - y की जगह हम क्या रख सकते हैं 3x - 3, दिस इज 3x - 3 - 8 = 0, ठीक है। अब देखिए क्या बन जाएगा 4x - 3x, माइनस होने से कितना हो जाएगा +3 - 8 = 0, अब समझ में क्या, 4x में से 3x जाएगा कितना बचेगा x बचेगा, x प्लस, देखो प्लस माइनस का माइनस साइन बड़े नंबर का आएगा तो माइनस आएगा, 3 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि हो जाएगा आपका 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, इसको हम क्या सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3, आई वाज सॉल्विंग क्या। नाउ इक्वेशन नंबर 3 को आप सेकंड और फर्स्ट में कैसे पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 3 पुट इन फर्स्ट, हमने हमने क्या करा इसको फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर 3 को हम फर्स्ट में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 * x की जगह में रख रहा हूं 5, तो दिस इज 5 - 3 = y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 * 5 = 15, 15 में से 3 जाएगा तो बचेगा 12, तो देयरफॉर यहां लिख देंगे फ्रैक्शन इक्वल टू, अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास में x / y के, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज 5/12, बस सुनने क्या आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं, कहते चेक करेंगे उसने कहा था कि अगर न्यूमरेटर में हम 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये आपका ये देखो ये आपके पास फ्रैक्शन आई थी, न्यूमरेटर आपके पास में 5 है उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 4/12, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/3, तो उसने 1/3 बोला था आपको, ठीक है ना। और अगर हमें उसमें बोला जाएगा कि अगर मैं इसमें 12 यानी डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देता हूं तो 5/1 कितना हो जाएगा 20, यानी आंसर आएगा 1/4, तो हमारी दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। I'm a Nikon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.